नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपका दोस्त विकास शर्मा आज अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं कई बार किसी इंडस्ट्री मालिक से या किसी फैक्ट्री मालिक से मिलता हूं, तो वो मेरे सामने एक ही सवाल रखते हैं कि सर आपके ERP सॉफ्टवेयर में हम अपने प्रोडक्शन किस प्रकार मेंटेन करेंगे, हम अपना स्टॉक किस प्रकार मेंटेन करेंगे, हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह एंट्री करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रोडक्शन प्रोसेस और स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आपको इस ERP सॉफ्टवेयर में अपनी प्रोडक्शन मेंटेन करनी है। ये देखिए यहाँ यूटिलिटी में इसमें एक ऑप्शन लगा हुआ है फीचर ऑब्लिक नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ आप अपना जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग है तो ये पर्सनल अकाउंट इंटीग्रेशन ऑलरेडी लगा हुआ है। मान लीजिए आप कमीशन एजेंट है तो कमीशन एजेंट कर सकते हैं। ब्रोकरेज विद बिलिंग विद बार्गेन एंट्री है तो ये भी कर सकते हैं। आज हम बात करें प्रोडक्शन की, तो यहाँ ये देखिए इसके अंदर प्रोडक्शन है, तो यहाँ मैं प्रोडक्शन पे टिक करूँगा और मेरा ये प्रोडक्शन का सिस्टम रेडी हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट ओके। उसके बाद कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करनी है तो आप उसको उसके रॉ मटेरियल है जो भी है उसके बारे में आपको पता चाहिए कि क्या क्या रॉ मटेरियल उसके अंदर लगना है, तो वो आपके आइटम्स में शो होनी चाहिए। मान लीजिए आज मैं एक शर्ट की प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि अगर हमें एक शर्ट की प्रोडक्शन करनी है, शर्ट तैयार करनी है, तो उसकी प्रोडक्शन किस प्रकार होगी। ये देखिए माय आइटम में मैंने एक शर्ट की प्रोडक्शन के बारे में लिखा है, तो ये देखिए मेरी शर्ट एक आइटम है। यहाँ आपकी मेन आइटम है वो भी एंट्री होगी और जो रॉ मटेरियल है वो भी आपके एक आइटम के रूप में एंट्री होगी। ये देखिए मेरी शर्ट है, शर्ट में मैंने टैक्स स्लैब वगैरह जो भी हैं मैंने लगा रखा है, ये आइटम की एंट्री कर रखी है। इसी प्रकार मेरे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में मान लिया मेरे को क्लॉथ लगना है तो वाइट क्लॉथ की एंट्री है, ये देखिए वाइट क्लॉथ है। और इसी प्रकार मेरे और भी आइटम्स हैं, मान ये जैसे पेस्टिंग है, बटन है। अब मान लीजिए मेरे को थ्रेड लगना है तो मैं एक थ्रेड की एंट्री करता हूँ, ये एक थ्रेड है, ये देखिए मैंने थ्रेड का शॉर्ट नेम जो भी मेरा समथिंग इसका एचएसएन कोड रहेगा मैं डाल दिया। टैक्स स्लैब मान लीजिए थ्रेड का 5% है, कंपनी जनरल है, और ये शर्टिंग में शर्टिंग की आइटम है तो शर्टिंग में डाल दिया। अब थ्रेड आपके पास पीस में होगा तो उसकी जो यूनिट है वो पीस में रख रहा हूँ मैं, ये पीस है। और मान लीजिए मेरे को उसकी एक थ्रेड की सेल्फ वैल्यू 5 रुपये के आसपास है और मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में 500 पीस भी हैं, मैं ये अपनी स्टॉक वैल्यूएशन और ये चीज़ मैंने एंट्री कर दी। अब चलिए चलते हैं हम अपनी प्रोडक्शन की, और उससे पहले मैं एक बार अपना स्टॉक चेक कर लेता हूँ। ये देखिए स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ ये स्टॉक रिपोर्ट लगी हुई है, तो मैं आज देख लेता हूँ मेरे पास कितना क्या स्टॉक है। ये देखिए मेरे पास शर्ट का स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो है और मैं अभी शर्ट प्रोडक्शन के थ्रू शर्ट तैयार करूँगा, तो मेरे कितनी ये देखिए प्रोडक्शन है, यहाँ प्रोडक्शन में ज़ीरो है, अभी कोई भी प्रोडक्शन मैंने नहीं की है, तो मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं मास्टर प्रोडक्शन के लिए, हमें सबसे पहले अपना एक मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए मास्टर में प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस में हम प्रोसेस तैयार करते हैं कि हमारा शर्ट का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह हमारी शर्ट तैयार होगी। ये देखिए मैं प्रोसेस, अब मेरे को नया प्रोसेस तैयार करना है तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू प्रोसेस नेम, क्यों मेरे इतना प्रोसेस मान लिया शर्ट की प्रोडक्शन है तो मैं शर्ट की प्रोडक्शन का प्रोसेस जो भी आप अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ शर्ट प्रोडक्शन लिख रहा हूँ, शर्ट प्रोडक्शन मेन आइटम टू प्रोड्यूस, मेरे को इनमें से कौन सी आइटम प्रोड्यूस करनी है, तो मेरे को शर्ट प्रोड्यूस करनी है तो मैं शर्ट रख रहा हूँ। उसके बाद क्वांटिटी कि मैं कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए मैं एक शर्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो एक शर्ट में अब मेरे को कितना कितना आइटम लगेगा, मैं रॉ मटेरियल के बारे में यहाँ ये देखिए रॉ मटेरियल टू कंज्यूम, क्या रॉ मटेरियल लगना है। तो एक शर्ट में मेरे को मान लिया सबसे पहले मैं लेता हूँ उसका कपड़ा कि कपड़ा कितना लगना है मेरे को, तो ये देखिए मेरा वाइट क्लॉथ है, मैं वाइट क्लॉथ है उसमें मान लीजिए मेरी एक शर्ट में 2 मीटर मेरे को कपड़ा लगता है तो 2 मीटर और ये ऐड आइटम। उसके बाद अब शर्ट में मेरे को लगेगा धागा भी लगेगा जैसे, तो धागा है थ्रेड है, मान लीजिए मेरे को एक पीस थ्रेड लग रहा है तो मैं एक पीस डाल देता हूँ ऐड आइटम। उसके बाद मेरा एक जैसे पेस्टिंग भी लगती है, मान लीजिए एक शर्ट में मेरे को 30 सेंटीमीटर पेस्टिंग लग रही है तो मैं यहाँ डालता हूँ उसकी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी अल्टरनेट यूनिट वहाँ क्रिएट की थी, तो यहाँ ये मेरी 30 सेंटीमीटर मेरी पेस्टिंग होगी। उसके बाद तो मेरे बटन है, मान लीजिए एक शर्ट में मेरे को 10 बटन लग रहे हैं
तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। ये देखिए बटन है और एज में मेरे 10 पीस मेरे बटन लग गए। उसके बाद ये देखिए फिर मेरा ये इतना प्रोडक्ट लग के मेरी एक शर्ट तैयार होगी और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, ये मेरे एक प्रोसेस तैयार होगा। अब आपको अगर प्रोसेस चेक करना है तो आप इसमें दोबारा चेक कर सकते हैं प्रोसेस में। ये रहा आपका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में आपकी एक यूनिट तैयार होगी। अब उसके बाद आते हैं हम एंट्री में। एंट्री में हमारा ये प्रोडक्शन है, अब हमें प्रोडक्शन करनी है तो किस डेट को प्रोडक्शन करनी है वो हम, जैसे नई प्रोडक्शन करनी है तो न्यू, कितनी देर को, मान लिया आज मैं एक नई प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ डेट और वाउचर नंबर, फिर प्रोसेस नेम। तो प्रोसेस में यहाँ शर्ट प्रोडक्शन, मेरे को शर्ट प्रोड्यूस करनी है तो शर्ट प्रोडक्शन मेन आइटम टू प्रोड्यूस शर्ट। अब मेरे को मान लीजिए 50 शर्ट प्रोड्यूस करनी है तो ये मैं यहाँ 50 आइटम लिख दी क्वांटिटी और ओके, और मेरी यहाँ 50 शर्ट प्रोड्यूस हो गई हैं। ये देखिए इसमें मेरे को 50 शर्ट तैयार हैं। उसमें जो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो मेरे को 100 मीटर कपड़ा लगा है, 50 पीस मेरे को धागे लगे हैं और मेरे को 1500 सेंटीमीटर पेस्टिंग लगी है और बटन है मेरे 500 बटन यूज़ हुए हैं। तो इस तरह मैं अपनी प्रोडक्शन तैयार कर सकता हूँ। और ये देखिए सेव, मैंने इसको सेव कर दिया। ये पूछ रहा है कि आपको प्रिंट करना है, अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, ये प्रोडक्शन है। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद हम अपना स्टॉक चेक करते हैं क्या हमारी प्रोडक्शन तैयार हुई या नहीं हुई। ये देखिए ये मेरा स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट में ओके। ये देखिए अभी मेरा शर्ट में 50 प्रोडक्शन की मेरी तैयार हो गए हैं, 50 प्रोडक्शन है। मैंने ऑलरेडी इसकी जो वैल्यू लगाई थी वो 800 रुपये के हिसाब से लगाई थी, तो मेरे 40,000 का स्टॉक मेरा तैयार हो गया। इस तरह आप कोई भी आइटम अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं स्टॉक के। मान लीजिए आपको देखना है कि कितना कपड़ा आपका लगा। ये देखिए यहाँ मेरा 500 मीटर कपड़ा लग चुका है, कंज्यूम मेरा जो था वो 500 मीटर हुआ है। मेरा ओपनिंग बैलेंस 500 था और सॉरी 100 मीटर मेरा कंज्यूम हुआ है। ये देखिए कंजप्शन 100 मीटर है और मेरे पास 400 मीटर बैलेंस है। और इसी प्रकार जो मेरा बटन थे, बटन मेरे पास 2000 थे और मेरी कंजप्शन 500 बटन की है, मेरे पास 1500 का स्टॉक है। जितना भी आपका जो भी आइटम्स रॉ मटेरियल था वो कंजप्शन भी दिखाएगा आपको और क्लोजिंग स्टॉक उसका बैलेंस भी चेक कर सकते हो कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल बचा है, कितना आपका यूज़ हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कंजप्शन में शो हो जाएगी कि किस तरह आपकी कंजप्शन हुई है, कैसे आपने, क्योंकि यहाँ आपने सिर्फ कंजप्शन की है, आपने सेल नहीं की। ये देखिए यहाँ कहीं भी सेल में इसको ये आपका शो नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको कंजप्शन में शो कर रहा है। इस प्रकार आप अपने कोई भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके उसके लिए वीडियो भी बनाकर आपको दूँगा। अगर मेरा लास्ट में आपको यही अनुरोध है कि एक बार आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो ज़रूर डाउनलोड करके देखिए, डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं या आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके थैंक यू दोस्तों। और लास्ट में मेरी एक ही विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके थैंक यू दोस्तों।